नमस्कार बच्चों, आज हम लोग ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिस विषय की आवश्यकता कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में भी इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। 12वीं कक्षा में भी इस विषय को जोड़ा गया है, इसलिए मैं केवल और केवल आज आपको इसके बारे में जानकारी ही दूंगा और कुछ इसके उदाहरण दूंगा। इसके साथ इसके PDF भी आप लोगों को मैं भेजूंगा ताकि आप लोग इनको आसानी से पढ़ सकें, आसानी से अपने कॉपी में लिख सकें। इस PDF की फ़ोटोकॉपी निकाल कर नोट्स के रूप में आप अपने पास रख सकते हैं। अपना जो विषय है वह है आज पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो अपने किसी न किसी कार्यालय में काम आने वाले होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उनसे संबंधित अपनी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के पूछने का प्रकार दो है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, आपको एक स्पेलिंग दे देंगे। स्पेलिंग देने के बाद आपसे उसका हिंदी में अर्थ पूछेंगे। जैसे एनफोर्स ये शब्द दिया हुआ है और आपको पूछेगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या है। मैंने आपके सामने लिखा है प्रवर्तन। दूसरा प्रकार कैसा है? दूसरा प्रकार है कि वह आपको हिंदी में शब्द दे देगा और उसका अंग्रेजी अर्थ पूछेगा। दो ही प्रकार बनते हैं बैड कंडक्ट। जैसे दुराचरण लिखा हुआ है, उसे दुराचरण का हिंदी शब्द दे दिया और आपको अंग्रेजी में पूछेंगे कि अंग्रेजी में इस दुराचरण को क्या कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ बैड कंडक्ट। तो इस प्रकार से आपके परीक्षा में ये दो ही प्रश्न बनते हैं। दो नंबर का प्रश्न आता है और दो ही प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त प्रश्न इसके संबंध में नहीं बनता। इसलिए मैंने आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षा में अधिकांशतः पूछे गए हैं कुछ शब्द लिखे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि मेरे पास जो आधे महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनमें से आधे आपको आज दिए हैं और दूसरा जो बचे हुए हैं वह सारे के सारे उस PDF में आपको मिल जाएंगे जिसके संबंध में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पदच्युत को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डिसमिस कहते हैं। हवालात को क्या कहते हैं? प्रवासी को क्या कहते हैं? प्रतिवादी को क्या कहते हैं? ये तो पूछा हिंदी में। अब मान लीजिए डेप्टर, डेप्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्जदार कहते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द सेंसस जिसे हम लोग जनगणना कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान कहते हैं, ऐसे शब्द आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको इसके हिंदी अर्थ या फिर अंग्रेजी दी रहेगी तो हिंदी अर्थ और हिंदी अर्थ दिया हुआ रहेगा तो आपको अंग्रेजी में उसका अर्थ बताना पड़ेगा। प्रशासन लिखा हुआ है तो प्रशासन को क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ऐसा लिख दिया। और प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑन डेप्यूटेशन हो जाएगा। निपटारा किसे कहते हैं? डिस्पोजल। इसलिए हम लोग देखते भी हैं कि डिस्पोजल आजकल बहुत ज़्यादा यूज होती है तो उसका हिंदी में अर्थ निपटारा होता है और वहाँ पर इंग्लिश में हम लोग इसे डिस्पोजल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कोर्ट में जज जो होते हैं, फिल्मों में भी आप लोग देखते हैं, स्थगित करना एडजॉर्न इसका अर्थ होता है, जज कई बार बोलता है। तो ये जो चीज़ें हैं यह सारी की सारी आपके सामने अलग अलग रूप में और कुछ महत्वपूर्ण हैं वह चीज़ें मैंने आप लोगों को योग्यता है
ये प्रश्न शायद परीक्षा में पूछा हुआ है, एबिलिटी उपस्थिति पंजिका ये प्रश्न पूछा हुआ है, मास्टर रोल को कहते हैं। तो इस प्रकार से मसौदा है, ये भी परीक्षा में आया हुआ है, ड्राफ्ट कहते हैं। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में बताया है, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को दी जाएगी। तो आप लोग इस स्पेलिंग्स को जितने भी आपको दी जाती है उस पीडीएफ में जो दी जाती है उन स्पेलिंग्स को आपको याद करना है, इसका हिंदी और अंग्रेजी अर्थ दोनों ही आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। इसलिए मैं केवल और केवल महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली को ही आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।